दे जाता है, कोई सीमा नहीं उसकी, गवर्नमेंट खराब होता है, एकदम स्थिति इमरजेंसी हो जाती है और बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। ये हमने देखा था, हमने देखा डिजास्टर दो तरह का होता है, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। कुछ फोटो भी देखी थी, देखो फ्लड का था याद है ना आपको, और फिर उसके बाद हमने ये बोल के फिर हाल का देखा था, फिर बाढ़ का था, फिर कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर है उनको पहचान सकते हो, जैसे फ्लड है नेचुरल डिजास्टर, ड्रॉट है, साइक्लोन है, ये सब नेचुरल डिजास्टर है। फिर हमने सीखा मैनमेड डिजास्टर, नेचुरल है मैनमेड है, और कोविड 19 मैनमेड है, चैटर छोड़ने वाले दिमाग है। फिर मैंने बताया था ड्रॉट पे क्या क्या, देखो ये एक मैनमेड है, ड्रॉट क्या है, नेचुरल या मैनमेड, नेचुरल, ओके, इंडस्ट्रियल डिजास्टर मैनमेड है, स्नो ओके, एयर क्रैश, सी लेवल राइज, ये दोनों है, सुनामी नेचुरल, सुनामी नेचुरल है, ओके, अर्थक्वेक नेचुरल, रोड एक्सीडेंट। फिर कैसा वर्कर होना चाहिए, हमने बात की, डेडिकेटेड होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एस्पेक्ट सोचे देखने वाला, सोशल होना चाहिए, टैक्टफुल हो, एनर्जीफुल हो, रिसोर्सफुल भी हो, ये जरूरी पट्टी वहां पर होगी। कैसे भी जुगाड़ करो, जुगाड़ वर्ड समझते हो ना, जुगाड़ वर्ड समझते हो, हमने बात की तीन स्टेज है डिजास्टर की, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर। डिजास्टर से पहले आपकी ट्रेनिंग हो रही है ना, ये क्या है, प्री डिजास्टर है, पोस्ट डिजास्टर है, प्री डिजास्टर जब हम काम करते हैं वो ड्यूरिंग डिजास्टर होता है, और जो डिजास्टर के बाद देखभाल होती है उसे पोस्ट डिजास्टर बोलते हैं। चार डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल में चार चीजें आती है, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी। पहले उसे रोकना है, फिर उसे तैयारी करनी है, फिर उसे लड़ना है, फिर उसे बाहर निकलना है, ठीक है। पहले आपने तैयारी करनी है मिटिगेशन, फ्लड ना आए, फ्लड आना भी है फिर तैयारी करेंगे प्रिपेयरनेस, और फिर जब फ्लड आ गया फिर उसके रिस्पॉन्स करेंगे, उस टाइम काम करेंगे, फ्लड के बाद फिर रिकवरी करेंगे, वो ठीक करेंगे। ये बताया सर मैनेजमेंट यूज लोकल रिसोर्सेज, ये सारे हमने डिस्कस किया था। सर मैनेजमेंट में बहुत ध्यान दिया, आज जाने के बाद अपना ध्यान रखना है और अपना कंप्लीट बॉडी टेस्ट कराना है, सबने कराना है, उस ने ये बात की थी, पहचानना है उसको किस स्थान पे कौन सा डिजास्टर आता है, ओके, फिर उसका रिजल्ट देखना, रिस्पॉन्स और रिकवरी। फिर हमने रोल ऑफ पुलिस देखा था, इसे कुछ चीज़ आप ऐड करना चाहोगे क्या, तो अगले मैच को उसको कुछ और जोड़ दें, मुझे कम लग रहा है पुलिस के हिसाब से, ये ठीक है इतना ही। आपका जो रोल है डिजास्टर में, लाइन ऑर्डर, इंफॉर्मेशन, क्राइम, डेड बॉडी, मिसिंग पीपल, पुलिस स्टेशन एज ए रिलीफ स्टेशन, छोड़ ऐड करें इसमें, ये इतना काम काफी है डिजास्टर का। जी बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, वेरी, किसने बोला है, बहुत बढ़िया, बहुत नाइस, आपकी बैटरी चार्ज हो गई, सही है। हमने फ्लड की बात की थी, उसके कारण बताए थे, उसका अर्थ बताया था, हमने रेन क्लैप करी थी, अब बाढ़ लेके आए थे, इम्पैक्ट रिजल्ट और रिकवरी की बात की थी। फिर हमने जो एजेंसी काम करती है डिजास्टर में वो उनके बारे में बातचीत की थी। इसमें जो लास्ट में एनडीएमए है, एसडीएमए है, डीडीएमए भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है। और फिर मैंने आपसे बात की थी एमरजेंसी इवेंट्स की, जी हाँ, एनजीओ एनजीओ काम करते हैं, शायद आप सेशन में थे नहीं, मैंने एनजीओ के बारे में जानना चाहा था उस समय, बताएं किस एनजीओ के बारे में आप, कोई एनजीओ ऐसी हो उसका नाम नोट करें जो हमें डिजास्टर में हेल्प करे हर डिस्ट्रिक्ट में, कोई ऐसी एनजीओ अगर आपको जानकारी में है। कनाड़ डिस्ट्रिक्ट से कौन है, आप है पानीपत से, कौन है पानीपत से, कोई एनजीओ नाम बताए पानीपत, कौन से एनजीओ है, आर्य समाज, आर्य समाज बढ़िया है, कौन सोनीपत से बताइए, क्या चीज का गुड़गांव की, लाइन मिसिंग
रोटी का तो नजर है ओके जो अपने क्राउड का कैसे उसको बिहेव करना, कैसे पट्टी बांधनी है, फूल कैसे रोकना, आग कैसे बुझानी है, वो मैंने आपको देख बताया था। और आपको मुझे ये कहना है कि यू आर एक्सीलेंट, आप बहुत बढ़िया आदमी है। थैंक यू वेरी मच। अब फर्स्ट सवाल पूछूंगा। बनानी होती है, पता किस बात का? रेड पर्ची, ग्रीन पर्ची, ब्लैक पर्ची। रेड पर्ची का मतलब है इसको अभी जरूरत नहीं, हेल्प इसको अभी जरूरत है। ग्रीन का मतलब है कुछ समय लगता है, ब्लैक है इसको आराम से चाहिए। ये पर्ची बनानी होगी आपको, तो आप यहां ये लिखेंगे और ये साइड फीडबैक लिखेंगे और उसमें अपना नेम आपकी चॉइस है, आपका रैंक, आपका फोन नंबर, ये मेंशन कर रहा है। पहले क्या करो, फीडबैक या गाना सुनोगे? पहले फीडबैक ओके लिखे, फीडबैक डाटी ट्रेनिंग कैसे दे रही है जैसे कमाल का, मतलब मैं तो हैरान किस बात कर। तूने पहले उनको अच्छा काम किया, क्लास में नहीं बोला कोई बात नहीं, अच्छा काम किया, गुड गुड। चीजें समेटनी है बैठ सकते। तो डिजास्टर मिटिगेशन बहुत जरूरी है, अपने परिवार में नंबर बता के रखिए। आपको मैं आपको एक बात को बताए, आप यहाँ है इसका भी मैप है, जहां भी आप ड्यूटी के लिए जाते हैं वहां एक मैप होता है। मान लो आपकी ड्यूटी लगी सूर्य ग्रहण मेले पर लगी है, तो वहां आप कोशिश करें कि जहां आपको जिस लोकेशन में आपको उसका मैप आपके पास हो। कहीं भी ऐसी ड्यूटी ना करें जिसके मैप जिसका मैप आपको ना पता हो, कहीं ड्यूटी ना करें ऐसे। कहां से निकलना है, कहां से एंट्री है, बिल्डिंग गिरने पे क्या होगा, भूकंप आने पे क्या होगा, मैप आपके पास होना चाहिए। ये मैप आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा ये जो मैप होते हैं ये बांटे भी जाते हैं जनता में, ताकि जनता उन रूट का प्रयोग कर सके जो इमरजेंसी रूट होते हैं। अब सवाल ये कि डिजास्टर में जो इमरजेंसी रूट है उसे बनाने के लिए हम क्या क्या सावधानी बरते हैं, इमरजेंसी रूट कैसे बनाए जाए? जी सर। अच्छा आप तो बोलेंगे जी, इमरजेंसी रूट कैसे बनाए, क्या ध्यान रखें इमरजेंसी रूट बनाने में? आपको पब्लिक को बाहर निकालना है, मेन रास्ता ब्लॉक हो गया है जी। इमरजेंसी रूट में सर सबसे पहले तो हमें खुद को ये पता होना चाहिए कौन सी दिशा की साइड पड़ेगी। भीड़ भाड़ का रास्ता ना हो, उसकी हमें जानकारी हो, ओके, छोटा हो और सेफ हम बाहर निकल सके। तो ये जो डायरेक्शन होती है ना, कभी मैप देखेंगे ये रेड ब्लू ब्लैक इसलिए होती है ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा रूट छोटा है और अगर कहीं ब्लास्ट हो जाए तो फिर आपको कैसे निकालना है। जब भी आप ड्यूटी पे जाए किसी मेन में कहीं भी, तो आप इस चार्ट को जरूर फॉलो करें, अपने जेब में रखें या बाइक में रखें। इससे क्या फायदा होगा भाई, कुछ फायदा होगा क्या? किसी भी किसी के जीवन को भी हम बचा सकते हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखें कुछ चीजें आपको जो पालन करनी है वो मैं आपको पेपर दे रहा हूं, आपको नोट करनी है। कोई मेरी हेल्प कर दे, अगर टाइम बचे तो। अब हम जैसे उस स्टेप्स की बात करेंगे जो स्टेप मेरे लिए जरूरी है और आपके लिए जरूरी है। आपको पेज जो मिल रहा है उस पेज को आप ऐसे कर लें, इस पेज के दो हिस्से कर लें, पेज मिल गया होगा आपको।
है, सबके पास है, ओके, ये सबके लिए जरूरी है। अटेंडेंस इसीलिए इसका रिक्वायरमेंट करूंगा, आपको हाफ यूज करना है और हाफ मुझे वापस देना है अटेंडेंस के लिए, आपको बताऊं कैसे देना है। अपने दो डिवाइस को खोल लेते हैं, आपके साथ हो जाए जो अनवांटेड हो, जो अवांछनीय हो, जो आपने सोचे भी ना हो। जब डिजास्टर में किसी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, उस बच्चे का क्या हाल होता है? कोई तो सहारा होता होगा उसका, वो जब बेसहारा हो गया, डिजास्टर ने उसके पेरेंट्स को छीन लिया, उसके नहीं बल्कि बहुत सारे पेरेंट्स को छीनता है डिजास्टर। जब भी आता है तो बहुत से लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है और उसे तबाह होने के बाद वर्षों लगते हैं सेट होने में। अब एमरजेंसी इवेंट जैसे फायर है, फायर आग, अब आप सोचिए अगर हम इस कमरे में है और आग लग जाए, खिड़कियां खोलनी चाहिए नहीं खोलनी चाहिए? कभी भी जहां आग लगी हो फिर क्या दरवाजे ना खोलें, पहले आग बुझाए। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आग को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जैसे आप दरवाजा खोलेंगे ऑक्सीजन अंदर आएंगे और एकदम ब्लास्ट होगा। किसी की बॉडी में बर्निंग हो रही है, कंबल लपेटते आप क्या करते हैं? आप ऑक्सीजन काट देते हैं। आग को बुझने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन कट जाए उसकी। कोई भी डिजास्टर, डीएवी स्कूल में था, डीएवी स्कूल फतेहाबाद में, कोई है फतेहाबाद से? वहां एक स्कूल में, डीएवी स्कूल में आग लगी थी, बच्चे 400-500 बच्चे टेंट के अंदर खत्म हो। आग जब फैलती है ना, अच्छा एक बात सुनिए, आप मेरे पास आइए, कम टू मी। आपका नाम क्या? रोहित। रोहित, रोहित की बॉडी का आग लगी है, आप वहां पर है, क्या करेंगे? क्या करेंगे रोहित को? रोहित तो क्या करेगा उस समय? रोहित को मूवमेंट बताओ मुझे, रोहित का मूवमेंट क्या होगा? रोहित तो भागेगा, चिल्लाएगा, हड़बड़ी दिखाएगा ना, वो तो तड़फेगा ना अंदर से, उसकी जो स्किन है, उसका जो मांस है वो जल रहा है। आप क्या करेंगे? कपड़ा लपेट दे, कंबल उठा दे। अच्छा मान लो कंबल नहीं हुआ, क्या करेंगे? इसके अगर त्वचा लाल हुई है तो पहली डिग्री है जलने की। अगर मांस बोले समझ रहे हो क्या कहते हैं? ओके, अगर वो हो गए तो दूसरी डिग्री है, पर अगर मांस भी जल गया वो तीसरी डिग्री है। अब देखो कहीं आप देखो आप कहीं बम ब्लास्ट हुआ है तो बहुत सारी बॉडी बर्निंग होगी ना, आपको पहचान लेनी डिग्री, पहली डिग्री कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। पहले आपको मैंने बताई जब त्वचा लाल हो गई, दूसरी बताई जब छाल हो गई, तीसरा क्या बता रहे हो? जब मांस। तो कभी भी थर्ड डिग्री में मैं पूरा कर लूं, थर्ड डिग्री में कभी भी फर्स्ट एड नहीं, कोई बात नहीं करेंगे, कपड़ा उठा के एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, ठीक है? पहली डिग्री आप पानी डाल दें, कोलगेट लगा दें। सर भाग रहा है या खड़ा है उसको लेटा कर कपड़ा डाले, खड़े को बोले सिलेंडर की रेट। देखो स्पीडली आप ना कंबल को बहुत स्पीडली खड़े पे डाल दो, हाँ, अगर वो आपको कंफर्टेबल है ना, वो स्टैंडिंग में है, आपको सहयोग कर रहा है, कई बार बॉडी नीचे पड़ी होती है फिर उसको करवट देते हैं ऐसे ऐसे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। डिजास्टर में जब भी आप कटे, जब भी आपकी एंट्री होती है डिजास्टर में, अब देखिए आप डिजास्टर एक अंतर डिस्कवर करता है। अब आप देखिए ये लोग यहाँ पर एक उत्सव के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, पब्लिक है, किसी ने कहा पुल टूट गया, पुल टूट भी सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं टूट सकता, टूट भी सकता है,
तो क्राउड का जो मैनेजमेंट, क्राउड का जो बिहेव होगा वो क्या होगा? क्राउड क्या करेगा? तो वहां अगर आपके पास माइक हो, क्या अनाउंसमेंट करेगा? खड़ो आप वहां, पोस्ट है, पुलिस पोस्ट है, वहां पर आपके पास माइक है और आपको उस भगदड़ को रोकना है, क्राउड को मैनेज कर, मैनेज करना, मैनेजमेंट करने का। आग लग गई है, पुल टूट गया था, कुछ भी हो, पब्लिक भाग रही है, आप विशाल मनोवैज्ञानिक तरीके से बताएंगे जी, बताइए अनाउंसमेंट भी, यहाँ ये पुल टूट गया है या आग लग गई है, मैं सावधानी से रहे जी सर। पहले तो ये तो अपा भी उसके दे गए हैं भाई, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा शांत हो, शांत करें फिर ये सिचुएशन को भी पाएंगे, कोई लेफ्ट राइट डायरेक्शन दे देंगे, आने वाले इधर से जाएं, जाने वाले इधर से जाएं, लाइन की कोशिश करेंगे। आमतौर पे होता क्या है, जब भगदड़ होती है ना, छोटे बच्चे हैं ना, उनसे जब दर्द है कारण से पड़े रहते हो और खत्म हो जाते हो, छोटे बच्चों पे ध्यान देना है, तो कैमरा सिस्टम हो उसको, उसको एक्टिवेट करना है, अलार्म को एक्टिवेट करना है, अलार्म सिस्टम करना है, और बच्चे दावनी देनी है, दो चार मेंबर्स को उसके पब्लिक के बीच में भेजना है ताकि वो उसको मैनेज कर सके, वरना तो जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या वृद्धजन है वो दब जाएंगे। सवाल ये कि डिजास्टर जब होता है उस समय आपका बिहेव उसके रिस्पॉन्स को तय करता है, क्या क्या बिहेव करते हैं। मान लो कहीं बम ब्लास्ट हुआ है, अब बॉडी बर्निंग हो रही है, तो फटाफट आप बॉडी को पेट्रो एम्बुलेंस को फोन करो और भेजो, ऐसे ही लोग बर्निंग कम हो उनसे बातचीत करो, उनको हौसला दो। महत्वपूर्ण चीजें क्या रहती हैं कि जैसे मान लो मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल जो है मुझे अच्छा लगता है, पेन मेरा अच्छा है, पर्स घड़ी, हेलो आप वस्तु से प्यार करते हैं ना या नहीं करते है? करते हैं, अपनी वस्तुओं से आप प्यार करते हैं। जब डिजास्टर में आप घायल हो तो आप क्या अपेक्षा करोगे कि आपकी वस्तुएं आपको एक लिफाफे में मिल जाए, है ना, आपका पर्स है, आपके अंगूठी, आपकी घड़ी, आपका मोबाइल, आपका पैन, जो भी जो कुछ कुछ कैश आपके पास है वो सब, और उसके लिए आपको कुछ मिनट मिलते हैं कि डिजास्टर में आप उसको समेट सकें। आपका नाम क्या है? आइए आप ये देखिए, इसमें हमारी कटिंग है, दो मिनट हम लोग बातचीत करेंगे और ये दोनों इस कटिंग को आइए एक साथ में आप आ जाइए, सेट कीजिए कटिंग, मुझे खबर दे, खबर क्या है, बाकी लोग मित्र ध्यान दें। अभी जो क्राउड है, क्राउड क्राउड का बिहेव कंट्रोल करने के लिए जो डायरेक्शन आप देंगे वो महत्वपूर्ण डायरेक्शन होनी चाहिए, उनके सामान को संभालेंगे, छोटे बच्चों को निकालेंगे, इसके साथ साथ आपके पास वह डिजास्टर में काम करेंगे एक बुक होती है, इसमें सबके टेलीफोन नंबर होते हैं हर डिपार्टमेंट, ठीक है, तो जो भी आपको जिस डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए, मान लो आग लगी, किसे फोन करेंगे आप? ओके, और कौन कौन से इमरजेंसी नंबर आपको पता होना चाहिए? जी सर, ओके बताइए सर, तो पुलिस का होना चाहिए, पुलिस का ऑफिसर नहीं होगा, सब होना चाहिए, ठीक है, फायर ब्रिगेड का होना चाहिए, और सर वोट आइए एम्बुलेंस का होना चाहिए, और डॉक्टर एनजीओ जो हेल्प करेंगे उस समय, तो आप अब घर जाएंगे ना, एक ऐसा चार्ट तैयार कर लेंगे जो कुछ इमरजेंसी नंबर हो, अपने बच्चों को बता देंगे, अपने बच्चों को सुनो ध्यान से कि बेटा कुछ मुझे प्रॉब्लम होती है ना, आपने इस अंकल को या इस आंटी को फोन करना है, जो भी आपके फ्रेंड है ना बच्चों को बता दें, ठीक है, रात को आप बेहोश हो गए, बच्चे को बताएंगे इसको फोन करना है, तो अपने बच्चे को बताएं कि बेटा ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, और इसको आपने जब भी इमरजेंसी हो, आपने ऐसा घर से घर में नहीं कर रखा, नहीं करा, अपने बच्चों को
जो डिजास्टर है डिजास्टर मिटिगेशन अगर होगी तो ठीक है नहीं सर एक्सी सुशील कुमार बैठे वो जाने डिजास्टर में सबसे पहले काम करने के जरूरी है नो योर वर्क अपने काम को जाने आपका काम क्या है यस यस हाफ पेज आपके लिए लिखना है आपको ये नो योर वर्क अपने काम को जाने आपके पास है रोहित ओके नो योर वर्क अपने काम को जाने आपको पता है जब डिजास्टर फ्लड आएगी तो क्या करना है आपको फायर में कुछ अलग करना है क्राउड में कुछ और करना है भीड़ में जब बम ब्लास्ट होगा कुछ और करना है तो सबसे पहले अपने माइंड में डिजास्टर में ध्यान रख लें कि नो योर वर्क अपने काम को जान लें काम को जानने का तरीका यही है कि आपको ये बताओ किस डिजास्टर में क्या करना है फायर लगी है तो आप बुझा दें बम लगी जो फ्लड आई है तो उनको ऊंचे स्थान पर लेके जाएं क्राउड हो गई है भीड़ ज्यादा है तो लाइनें बढ़वाएं आपको पहला काम क्या करना है नो योर वर्क कि डिजास्टर कैसा है और मुझे क्या करना है ये जान लेना चाहिए ये बहुत बढ़िया रहेगा दूसरा अंडरस्टैंड योर इमोशंस अपनी संवेदनाओं को समझें अंडरस्टैंड योर इमोशंस अपनी संवेदनाओं को समझें इसका अर्थ क्या भी इसका अर्थ आप तो डिस्टर्ब हो है ना तो आप फिर काम नहीं कर पाओगे हाँ अंडरस्टैंड इमोशन मान लो आपको रोना आता है तो मत रोए आप खून देखिए आपको चक्कर आता है अपनी कमजोरियां भी डिजास्टर में जाने से पहले देख रहे आपकी इमोशन क्या है आप कैसे व्यक्ति आप कठोर व्यक्ति है क्या आपके अंदर दया है क्या आप जल्दी रो पड़ते हैं क्या आप दिखावा करते हैं क्या आप बनावटी है क्या आप सजावटी है क्या आपको पेट्रोल दिखानी होती है या आप एक बल्ब की तरह काम करते हैं अंडरस्टैंड योर इमोशंस अपने इमोशन को अपनी संवेदना को समझे नंबर तीन पॉजिटिव लैंग्वेज लैंग्वेज सकारात्मक भाषा आप डिजास्टर के किसी भी फेज में काम कर रहे हो आप इंडिकेशन कर रहे हो प्रिपेयरनेस में हो आप रिस्पॉन्स में हो आप रिकवरी में हो सब जगह आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव लैंग्वेज अच्छी भाषा होनी चाहिए एक पत्नी अपने पति से लड़ रही है पति कहता है फिर उसको रह गया क्या ये कहते हाँ झूके ये भी नहीं है बस बात खत्म हो गई क्या किया पति ने पति ने जो थॉट प्रोसेस था ना उसको ब्रेक कर दिया पॉजिटिव लैंग्वेज यही करती है जब एक आदमी दुख में होता है ना उसे आप सहारा देते हो उससे बात करते हो उसे शेक हैंड करते हो उसको टच करते हो उसके बालों में हाथ फेरते हो कंधे पे हाथ रखते हो उसे शेक हैंड करते हो देयर इज नो क्वेश्चन मेल फीमेल ऐसा कोई चक्कर नहीं है आजकल मेल से फीमेल को दिक्कत प्यार में दिक्कत है क्या सर पे हाथ रखने में दिक्कत है क्या कंधे छूने में दिक्कत है क्या क्या दिक्कत है नो कोई दिक्कत नहीं आप लैंग्वेज ये आपकी बॉडी लैंग्वेज जिसकी मैंने बात की कंधे पे हाथ रखना सर पे हाथ रखना हौसला देना ये बॉडी लैंग्वेज है वर्बल लैंग्वेज की बात करेंगे आप अच्छे शब्द बोले कुछ नहीं हुआ मैं हूं यहां पर आप ठीक हो जाएंगे पॉजिटिव लैंग्वेज आप डिजास्टर के किसी भी फेज में हो कोई भी डिजास्टर हो आप लैंग्वेज को पॉजिटिव रखिए गिव 100% गिव 100% लिख लीजिए अपना 100% दें